अफसोसनाक खबर दें आपको, साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं। वो चंद रोज़ से शदीद अलील थे। इनके अहले खाना के मुताबिक नज़ीर जूनियर को गुज़श्ता रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया था। वो 5 बरस कबल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब रही और वो अलील रहे, अब साहिब फ़िराज रहे। सुहेल इमरान नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, क्या तफसील है हमें बताइएगा। जी वजी, उनके साहबजादे नुमान नज़ीर हैं। उन्होंने हमें तस्दीक किया है कुछ देर पहले कि सबक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर जो टेस्ट भी रहे हैं, उनका आज मुकामी अस्पताल में इंतकाल हो गया। रोज उन्हें तबीयत ज्यादा लेकिन संभल नहीं सकी और आज उनका इंतकाल हो गया। 2019 में शदीद ट्रैफिक हादसा हुआ था, गुलशन रावी लाहौर का इलाका था, जहाँ बाप बेटा नज़ीर ही उनके हमरा थे और वो सैर के लिए सुबह जा रहे थे कि एक गाड़ी ने उनको हिट किया था, जिसके बाद वो खासे जख्मी हुए थे और उनके सर पर और कमर पर चोटें आई थी, जिसके बाद वो संभल नहीं सके थे और बेड पर ही थे। उनके बेटे ही उनकी तीमारदारी किया करते थे, उनको संभालते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई और छाती का जो इन्फेक्शन है वो कदर बढ़ गया था कि उन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा और गुज़श्ता रोज़ उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां पर आज उनका इंतकाल हो गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर ने 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मजबूत तौर पर 37 उन्होंने इंटरनेशनल विकेट भी हासिल की थी। सुहेल हमारे साथ ही मौजूद रही है, अफसोसनाक खबर हमसे शेयर कर रहे हैं। सुहेल इमरान के नज़ीर जूनियर जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और अंपायर भी हैं, उनका इंतकाल हो गया है, शदीद अलील थे। हमारे साथ तौसीफ़ अहमद मौजूद हैं, माहिर स्पिनर। तौसीफ़ भाई, ये बताइएगा कि नज़ीर जूनियर साहब से आपका तारुफ कैसा रहा, कैसे इंसान थे, कैसी शख्सियत थे, कैसे क्रिकेटर थे, कैसे अंपायर थे? जब खराब न्यूज, मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक, जाहिर है उनकी फैमिली के लिए तो है ही, लेकिन हम सब के लिए, और जबरदस्त प्लेयर थे, मैंने उनके साथ खेला हुआ है। मैं भी ऑफिस स्पिन करता था और वो भी ऑफिस स्पिन करते थे और काफी क्रिकेट मैंने उनके साथ डोमेस्टिक खेली है। एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, और उनकी खास बात ये थी कि वो विवन रिचर्ड को वो हमेशा ले जाते थे, जैसे ही वो आया बैटिंग उनके सामने की वो उसको आउट कर देते थे, और जाहिर है उनकी क्लास थी। जितना टाइम उन्होंने गुजारा, चाहे वो क्रिकेट में हो, उसके बाद अंपायरिंग में वो आ गए और बहुत ही उमदा बॉलिंग करते थे। हमारा और उनका रिकॉर्ड ये था कि हम शायद एक मिनट या 1.5 मिनट में ओवर भी हम कर देते थे। उनका रिकॉर्ड है वो मुझसे पहले, 1 मिनट के अंदर भी ओवर उन्होंने किया, इतना कम स्टार्ट उनका होता था और गेंद बहुत जल्दी जल्दी करते थे। बहरहाल ये एक बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनकी फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ अहमद साहब, ऑफ स्पिनर बॉलर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और इस अफसोसनाक खबर पर अपने तासरात हमसे शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ख़ुद तौसीफ़ भाई ने भी उनके साथ क्रिकेट खेली है, उनके साथ वक्त शेयर किया, डोमेस्टिक पे खासा वक्त उनके साथ गुजरा, और जब बॉलिंग रेट की बात आती थी, टाइम कम होता था, तो तौसीफ़ भाई और नुमान जल्द बॉलिंग कराने में माहिर थे। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं। वो चंद रोज़ से शदीद अलील थे। उनके अहल खाना के मुताबिक नज़ीर जूनियर को गुज़श्ता रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया। वो 5 बरस कबल ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेले। नज़ीर जूनियर ने मजमू तौर पर 37 विकटें भी हासिल की। नज़ीर जूनियर पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू टेस्ट की पहली इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 7 विकटें लेने वाले पहले स्पिनर भी हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, एक नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को, नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं, साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और अंपायर, आपके क्या यादें हैं उनके हवाले से? जी बड़ा अफसोस हुआ था, उनका जिंदगी खबर आ जाए, एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से वो ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाए थे, लेकिन उनसे बात भी हुई थी, लेकिन बहुत यादें उनके साथ ऐसे अंपायर भी, वो बाद में अंपायर बन गए थे, फर्स्ट क्लास मैच हो या टेस्ट मैच हो, उन्होंने
सुपरवाइज किए हैं। नहायत ही शरीफ इंसान थे और बहुत ही कमाल बॉलर थे, बहुत ही अच्छे बॉलर थे, काफी अच्छे किए और उन्होंने बड़े प्लेयर्स को सिखाया, चकलेन मिजप्रात हो गया या अर्शद खान है, बहुत सारे सईद अजमल, कोशिश करते जब भी खास हो तो वो अपने तजर्बे को ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो बिग लॉस थे ये पाकिस्तान के। अच्छा, दो दिन पहले खबर ये आई थी कि उनके साहिबजादे ने नुमान नज़ीर ने अपील की थी कि उनके इलाज के लिए तआवुन किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे जो साबिक प्लेयर्स हैं उनका वैसा ख्याल रखता है जैसे रखा जाना चाहिए था, और इस मामले में आपके पास कोई खबर है कि उनका ख्याल रखा गया था, उनके इलाज मुआलजे पर तवज्जो दी गई थी पीसीबी की जानिब से? जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वेलफेयर फंड है, उसमें जो भी साबिक क्रिकेटर्स हैं भरपूर तरीके से इंजाज की जाती है, जितने भी जितनी मेरी नॉलेज है उसमें नज़ीर जूनियर साहब का भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम अखराज बर्दाश्त किए थे। अब ये नहीं मालूम कब से लेकिन किए थे, ये खबर भी आई थी अखबार में, और पीसी भी कोशिश करता है कि अपने जितने भी क्रिकेटर्स हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर उनकी जितने भी हॉस्पिटल के अखराज हैं या जो मेडिकल को करे वो पूरा। बहुत शुक्रिया राशिद जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे।